लास्ट लुक लॉन्च किया गया, आपको कैसा लगा फिल्म का पहला लुक? आप देखिए, पहला लुक मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जाहिर सी बात है। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी शायद आखिरी दिन है, और इस समय हम लोग नाटक किया करते थे अपने धनबाद में या बिहार में, तो मेरे लिए दुगनी खुशी हो गई ये कि आज के दिन मेरे फिल्म का पोस्टर का फर्स्ट लुक आया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली इस मूवी में एक बहुत प्यारे से लड़के दिखाई हूँ, जो मेरे बाजू में जो बैठे हैं उनके गर्लफ्रेंड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ, बट ये कुछ मुझे वैल्यू ही नहीं देते स्पेशली बोला जाए तो, वही सब मेरा एक कैरेक्टर है बहुत प्यारा सा। क्या ये आपकी पहली फिल्म है या इससे पहले भी आपने कोई फिल्म की है? नहीं, मैंने पहले मराठी मूवीज़ की है, देहांत और सत्यविजय, और उसके अलावा जी म्यूज़िक एल्बम्स की है, और बस अभी शुरुआत है हिंदी मूवी बॉलीवुड से। मराठी से डायरेक्ट भोजपुरी क्यों ऐसा? एक्चुअली कंसेप्ट अच्छा लगा मूवी का, इसीलिए कर लिया। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे स्नेहा के बारे में? जैसे उन्होंने मराठी फिल्म की है, उनकी भाषा भी मराठी है, उसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म की। हाँ, एक्सपीरियंस सेट पे मज़ा आया, क्योंकि ये भोजपुरी बोलती थी मराठी मिला करके, और मज़ा आया। लड़की बहुत प्यारी सी है, चुलबुली है, और हमारे फिल्म में जो करेक्टर चाहिए था वो चुलबुली ही चाहिए था, और इसके स्नेहा के साथ काम करके तो खैर हमने बहुत इन्जॉय किया, और आई होप कि ऑडियंस भी बहुत इन्जॉय करेगी स्नेहा को हमारे साथ। जी सर, मैं तो सर आपसे जानना चाहूँगी, फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार, आप लोग आए आज, ये जब मुहूर्त किए थे तो उस समय भी जो पोस्टर का एक लुक था, जो आप लोगों ने जो लिखा था, मैं पढ़ा था कि अखबार में कि कुछ अलग है, कुछ ने सवाल भी किया कि शायद ये कुछ भोजपुरी जैसा नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला था उस समय कि कोई फिल्म का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कोई भोजपुरी हिंदी से नहीं, तो बस ये पोस्टर अभी भी आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो मूवी भी उसी अस्तर भी हमने बनाई है कि सिर्फ पोस्टर ही अच्छा ना लगे, आप लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगेगी। सर, बैरी सुरतिया, ये पिक्चर एक बहुत भोजपुरी की बहुत पुरानी पिक्चर है, बैरी कंगना जी, आप क्या उस पिक्चर से बना रहे हैं? नहीं, सिर्फ बैरी नाम कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। जो बैरी कंगना फर्स्ट पार्ट थी वो तो वाकई में बहुत एक तरह से हॉरर में एक माइलस्टोन मूवी कहेंगे भोजपुरी में, क्योंकि उस समय मैं वो मूवी मैंने देखा है, शायद 1991-92 की वो मूवी है, और टेक्निकली उस समय उतना एडवांस नहीं था, खासकर रीजनल सिनेमा भोजपुरी तो, लेकिन कहानी इतनी उसकी बेहतरीन थी कि लोग, और बहुत सुपर डुपर हिट मूवी रही वो, और उसका कॉन्सेप्ट अलग था उस समय, सोशल इशू, दहेज प्रथा पे, वो बैरी कंगना जो कंगन उसको सब लेते थे। ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के समय का है, कि आज के समय में जो सोशल इशूज हैं, ये सिर्फ सुपर नेचुरल सिर्फ यूँ ही नहीं कि चलो मैंने कुछ इमेजिनेशन स्टोरी बनाई और सुपर नेचुरल में, एकदम रियलिस्टिक स्टोरी है, जो अभी जो स्पेशली नॉर्थ में हमारे यूपी बिहार में जो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते हैं, समाज में जो भी बदलाव हो रहा है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जो एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हो रहा है, तो वो ऐसे लड़के तो किस तरीके से वहाँ पर सोशल क्राइम होते हैं, तो उसमें मैंने ये कहानी को बुना है, ताना बना इसका। और सुरतिया, जो बैरी सुरतिया का अगर मैं आपको बता दूं, दोनों वर्ड हमारे आंचलिक वर्ड हैं अपने इधर के, अगर इसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो जो एक चेहरा है सूरत है वही दुश्मन हो गया है, तो टाइटल से ही कहानी का थीम पता चलेगा। इस फिल्म में कितने सिचुएशन सॉन्ग हैं और कितने आइटम सॉन्ग्स हैं? 6 सॉन्ग्स हैं, सारे सिचुएशन ही बोलूँगा, आइटम मैं किसी को नहीं बोलूँगा। जो एक डिस्को सॉन्ग है वो भी हमारे सिचुएशनल ही है, स्पेशली प्लांटेड नहीं है कि वो आइटम मैं तब बोलता है जब कहानी से कोई मतलब नहीं रहता, वो भी एक हमारा स्टोरी का पार्ट है। और सारे सॉन्ग हर जॉनर के हैं, मेलोडी हैं, एक डिस्को सॉन्ग है, आपको इसमें आप सैड उस तरह के, क्योंकि कहानी का कुछ अलग थ्रिलर मूवी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सैड पार्ट नहीं, ऑडियंस को बहुत ही एक इन्जॉय आप इस मूवी से करेंगे। थ्रिलर मूवी का अपना एक मज़ा होता है कि एक थ्रू आउट आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं,
कहीं भी आपको रोना धोना नहीं पड़ेगा। एक होता है ना सडनली आप हंस रहे हैं, सडनली आपको सैड मोमेंट आ गया, ऐसा इसमें नहीं, आपको थ्रू आउट एक रोमांच आपको उसमें बना रहेगा। और म्यूजिक दो बहुत ही गुणी म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारी इस फिल्म में, एक अमन श्लोक जी हैं जिन्होंने, जिनका तो नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमन श्लोक जी। और हिंदी गाने उन्होंने जो थम के भर जो जिससे काफ़ी हिट हुई और ये एवरग्रीन सॉन्ग रहेगा, और उनका नाम और आज भी सतत भोजपुरी में हिट गाने देते रहे हैं और हिंदी में भी उनके गाने आते रहते हैं। और एक हमारे बहुत ही पुराने और गुणी म्यूजिक डायरेक्टर हैं चंद्रमा चंद्राई जी, जिन्होंने इसमें संगीत दिया है। तो काफ़ी गाने वो क्लासिकल पे उनका काफ़ी पकड़ है और बहुत ही एक कहेंगे कि जो भोजपुरी गाने में जो एक जो कमी होती है कि एक ही तरह से गाने में वेरिएशन नहीं रहता, तो थोड़ा सा जो संगीत है तो उसमें आपको बेसिक टच रहना चाहिए क्लासिकल का, थोड़ा आप कितना भी आप अपना जो भी एडवांस कर लो लेकिन उसको एकदम एल्बम की तरह मत बना दो फिल्म का, तो वो चीज़ को वो बरकरार रखते हैं। तो आपको इसमें दिखेगा कि संगीत का क्वालिटी संगीत दिखेगा, एक सिनेमेटिक जो म्यूजिक इसको बोलते हैं वो आपको सुनने को मिलेगा। कब आ रही है पिक्चर का? ये बहुत जल्दी ये रिलीज होगी ये मूवी, ये जस्ट हम लोग नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल है, आज तो बसंत पंचमी का त्यौहार है, मैं हमेशा अपनी मूवी को एक त्यौहार पे कुछ ना कुछ, चाहे आप लोग से इंटरेक्शन करना हो तो त्यौहार पे ही बुलाता हूँ कि चलो एक अच्छा एक माहौल, पॉजिटिव एक माहौल रहता है लोगों से बात करने का। मुहूर्त भी किया था तो त्यौहार पे ही था, आज भी त्यौहार है और नेक्स्ट त्यौहार होली जो है उसमें इस मूवी को रिलीज करने जा रहा हूँ। आप लोगों में से किसी ने क्या कोई भूत प्रेत देखा है? आपने कहा कि हमारी कहानी जो है वो सच के बहुत करीब है। जी हाँ, मैंने देखा है, विश्वास करते हैं, मैंने देखा एक भूत मैंने देखा है जो मेरे बगल में बैठी हुई है। नहीं ये मैं बताऊँ, ये फिल्म ना अभी हॉरर जॉनर की आई थिंक एकदम डिफरेंट होगी, ये उस तरह का आप कोई रामसे ब्रदर्स की मूवी नहीं है कि बस चेहरे को क्रिएट, इसमें कहीं भी आपको, लेकिन हाँ आप एक जो भूत जिसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है, अभी भी पूरी दुनिया में इसको लेके बातें होती है, फिल्में बनती रहती है, और आज के दौर में हॉरर फिल्म का एक अलग ये हो गया, अभी पहले की तरह सिर्फ चेहरे को एब्स्ट्रैक्ट करके दिखाना वो नहीं चलता है। आज जो एक समाज में जो चीज़ें होती है, अगर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, ये जो पावर को लेके अलग अलग तरीके का इसमें एक रिसर्च किया जा रहा है कि नहीं ये क्या है, क्या किस तरीके से हो सकता है। आप बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म देखेंगे जिसमें कि कहीं भी भूत नहीं दिखाया गया, इवन भूत नाम से जो फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की, एक उसमें भूत कहीं नहीं दिखाया गया डर को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेगा। आपको देखते तो आजकल राम गोपाल वर्मा भी कहीं नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। स्नेहा आपने भूत देखा है? विश्वास करते हो भूत प्रेत होते हैं? डर लगता है बट भूत अभी तक नहीं देखा। सर आपने देखा है भूत? मैंने बताया ना कि मैंने तो मेरे बगल में भूत बैठी हुई है। विश्वास करते हैं भूत प्रेत में? भूत पे मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि जो पास्ट है वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए जो पास्ट को ही भूत कहते हैं, जो भगवान पे विश्वास करते हैं भूत पे भी करते हैं, शैतान पे भी है, क्योंकि दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिनको लोगों ने देखा नहीं है और एक विश्वास की बातें हैं, और दोनों का कहना मानने का तरीका थोड़ा सा समय के अनुसार चेंज होता है। पहले विश्वास में अंधविश्वास ज़्यादा था, भगवान को मानने में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, तो आज भूत को भी पहले मानने में बहुत ज़्यादा था कि चलो ये वृक्ष है तो इसके नीचे भूत होगा, आज वो ऐसे आज है उसका स्वरूप बदल गया है। आज मेट्रो में हम रह के डर रहे हैं, चारों तरफ लाइट है सब कुछ है फिर भी हमें डर है, तो उसका तरीका बदल गया है। सर आपकी फिल्म जो है किस वर्ग को ज़्यादा आकर्षित करेगी? ये हर वर्ग को आकर्षित करेगी, ये जो जॉनर है मैं आपको बताऊं, हॉरर जॉनर जो होती है, चाहे हमारा एक मैसेज, स्पेशली हम लोग भोजपुरी फिल्म बोलते हैं कि मैसेज, तो मैसेज को लेके यहाँ पर बातें होती है, मैसेज तो सबसे ज़्यादा मूवी देखता है, और वही एक थोड़ा सा मिसिंग है भोजपुरी में कि उन लोगों को वैरायटी ऑफ सिनेमा नहीं मिल रहा है, तो मैसेज को तो पसंद आएगी, क्लासेज को ही पसंद आएगी, एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, और जो एक हमारे जो सबसे ज़्यादा भोजपुरी के जो हमारे दर्शक हैं, जो आम दर्शक जो अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं इस फिल्म भोजपुरी सिनेमा को, उनके कारण आज भी ये इंडस्ट्री है और इतनी सारी फिल्में बन रही है, तो उनको उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि ज़रूर ये फिल्म देखिए, क्योंकि आपको एक वैरायटी मिलेगा। अभी तक जो आपको थोड़ा सा जो भी शिकायत है कि नहीं सब एक ही तरह की कहानी होती है, थोड़ा सा आप लोग की जो निराशा हुई है भोजपुरी फिल्म को लेकर स्टोरी को लेकर, इसमें आपको वो दूर होगा, आपको कोई इसमें ये अर्बन
सेमी अर्बन रूरल हर तरह के ऑडियंस को ये मूवी अच्छी लगेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। बताइए जरा आपको कौन सा गाना सबसे पसंद आया? सबसे पहले अमन श्लोक का प्रणाम आप लोगों को। बसंत पंचमी का आज बड़ा ही पावन त्यौहार है और आप तमाम मीडिया बंधु जो इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए सबका शानदार इस्तकबाल स्वागत करता हूँ। बैरी सुरतिया फिल्म जिस दिन से हमने इस पे काम शुरू किया और जब मुझे डायरेक्टर सुनील जी और कुलदीप जी ने मुझसे संपर्क किया तभी मैं मुझे बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लगी शुरू में ही और मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ स्कोप है जो भोजपुरी में अमूमन होता नहीं है और अलग ही स्टोरी एकदम अलग सा सिचुएशन और लगभग 1.5 से 2 महीने हम लोग इस म्यूजिक पे वर्क किए और निश्चित रूप से एक यूथ को अट्रैक्ट करता हुआ एक बड़ा ही अच्छा सा गाना हमने रेडी किया है और हमारे अजीज दोस्त और हमारे सीनियर हैं हमारे बड़े भाई हैं चंद्रमा चंद्राही जी मैं उनका भी ये आदरपूर्वक ये कहना चाहता हूँ उन्होंने भी इस फिल्म में म्यूजिक दिया है और मुझे किसी से प्रतिस्पर्धा ज़रा भी नहीं होती। मुझे लगता है कि सिनेमा बढ़िया बनना चाहिए अच्छे संगीत ज़रूरी है तो तभी भोजपुरी का विकास हो सकेगा। मैं भी चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म भी फिल्म फेस्टिवल में जाए भोजपुरी फिल्में भी नेटफ्लिक्स से जुड़े बड़ा पैमाना से हो और मेरी कोशिश रहती कि कुछ डिफरेंट करूं फ्रेश करूं हर हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूं जी। आज तक मुझे कोई एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि भोजपुरी सिनेमा आगे ना बढ़े या उसके उत्थान के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। सारी कोशिशों के बाद फिर रंग क्यों नहीं ला रही है? उसके पीछे कारण ये है कि सिर्फ अकेला कोई एक आदमी मैं नहीं कर सकता। अब इसमें जैसे हमारे डायरेक्टर सुनील जी ने इसमें प्रयास किया कि एक अलग स्टोरी भले वो रिस्क इसमें हो बहुत मसालेदार फिल्म ना हो तो इसमें निश्चित रूप से किसी के अंदर एक ठोस डिसीजन लेने वाला कोई एक आदमी होना चाहिए और सब पूरी टीम अगर चाहे तो निश्चित रूप से बड़े कैनवास पे फिल्म भोजपुरी की बन सकती है फिल्म फेस्टिवल में जा सकती है राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है। इसमें सिर्फ मैं अकेले संगीतकार के चाहने से नहीं हो सकता ये काम स्टोरी से शुरू होगा और प्रोड्यूसर की ज़रूरत है ऐसे प्रोड्यूसर जो इस फिल्म में कुछ अपना एक काबिले तारीफ कुछ कंसेप्ट पे काम कर सकें। महेश उपाध्याय जी का नाम लेना चाहते हैं? महेश उपाध्याय जी बहुत मेरे अजीज दोस्त हैं और लगभग 15-17 साल से मैं उनको जानता हूँ और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पैसा वो बड़े समय पे दिलवाते हैं प्रोड्यूसर से और बहुत मेहनती हैं। मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ तो ऑफ कैमरा भी बोलता हूँ कि बहुत मेहनती हैं और बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो पैसे के अभाव में नहीं बन पाती जिसमें बहुत सारे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं पैसे की कमी होती है प्रोड्यूसर नहीं होता या प्रोड्यूसर किसी का भाग गया तो इस मामले में महेश उपाध्याय जी का काबिले तारीफ है कि वो छोटी बड़ी सब फिल्मों में सबको प्यार देते हैं और डेडिकेटेड होके काम करते हैं और मैंने पहले भी कहा कि कलाकारों को पैसा बड़ा समय पे दिलवाते हैं जी। आप दोनों शख्स जरा कुछ कहना चाहते हैं इस पिक्चर के बारे में कुछ जी? मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है मैंने इस फिल्म में फादर का रोल किया हीरो के और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है और मुझे लगता है ऐसा कि पर्सनल लेवल पे कि भोजपुरी की जो शुरुआत हुई है इस तरह की मोमेंट में इस तरह के फिल्म बन के तो फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि लोग अब धीरे धीरे सोशल पे जा रहे हैं वीडियो की तरफ जा रहे हैं डिजिटल की तरफ जा रहे हैं टीवी पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे चेंज होना है और ऐसी फिल्में आएंगी टीवी पे देखी जाएंगी जबकि एक्चुअल फैमिली देखेगी और ये अच्छा समय आया है इस फिल्म के लिए कि ये शुरुआत हुई है तो मेरी बहुत बहुत मुबारक और आने वाले दिनों में इनके लिए रास्ता खुले सबके लिए और बहुत सारे लोग जो हैं लाइन में उनके लिए भी रास्ता खुले जो आप कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि सब कहते तो वो हैं शुरुआत यहाँ से हो गई है। जी मेरा नाम उल्लास है सबसे पहले मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा सबने मिलकर अच्छा काम किया है। मेरा मानना है कि एक फिल्म जब बनती है तो उसका खास उद्देश्य तो यही होता है कि ऑडियंस को अच्छी लगे हर आदमी यही सोच के बनाता है कि हम एक अलग चीज़ बना रहे हैं अच्छी चीज़ बना रहे हैं। पिक्चर चलना नहीं चलना जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि पिक्चर क्यों नहीं चल रही है पिक्चर ना चलने के पीछे बहुत सारी वजहें होती है। अच्छी अच्छी फिल्में इसके लिए कभी कभी नहीं चल पाती क्योंकि सही समय पर रिलीज़ नहीं हो पाती है चल जाती है तो
किसी की वाह होती है, किसी की शायद नहीं भी होती है, लेकिन इसमें श्रेय तो पूरे टीम को ही जाता है। और नहीं चलती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोगों ने सही काम नहीं किया है, उसकी बहुत सारी वजह है। एक साथ में चार चार फिल्में कभी रिलीज़ हो जाती है, कितनी फिल्में बन रही हैं, सब लोगों की कोशिश तो यही रहती है कि एक अच्छी फिल्म करें। एज एन एक्टर हम लोग यही चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, सराहना चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि एक्टर जो होता है सोचता है कि मेरा काम की तारीफ हो, वही सोचते से भी काम करते हैं। बहुत अच्छा, विक्रम भाई थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग अपने बारे में बताए। राम भाई लो हमारा मोबाइल है, सॉरी महेश जी क्या करते हो आप? रोल सर बताइए जरा के बारे में। नमस्कार, मैं मेरा नाम अमित लेखवानी है। इस मूवी में मेरा एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जो मैंने बहुत ही अच्छे से निभाया है, और मैं सबसे पहले थैंक यू सुनील भाई को बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस मूवी में काबिल समझा कि एक कैरेक्टर मैं प्ले कर सकता हूँ, और आप सभी को जो आप ये मीडिया की कवरेज कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। और इससे मेरा नाम राहुल रंजन है। अभी तक मैंने कई हिंदी मूवीज़ किए जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला और काफ़ी सारे जो अवार्ड में ये हुए। सुनील जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उनसे मेरा काफ़ी लंबा समय से रिलेशन रहा है, और वो काफ़ी समय से एक अच्छी मूवी प्लान कर रहे थे। उन्होंने मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताया, स्क्रीन प्ले पूरा डिटेल्स बताया, मुझे फिल्म वाकई बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे इस फिल्म का एक पार्ट होना है। जो मेरा किरदार है, जो मेरा रोल है, उसका नाम है गुड्डू, और अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना मतलब शायद सही नहीं हो। इस फिल्म को देखिए, बेहतरीन फिल्म है और वाकई बेहतरीन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतरीन है, और इसीलिए हम लोगों ने इसको पूरी शिद्दत से बनाया, और चूंकि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है इसलिए हम सब इस फिल्म से जुड़े हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी दर्शक इस फिल्म को देखेंगे अपना प्यार देंगे। नमस्कार भाइयों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुनील जी जो हैं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और ये एकदम क्लियर कट हैं स्क्रिप्ट के प्रति, फिल्म के प्रति, कि क्या लेना है, कितना लेना है। मैं एज अ कॉमेडियन मैंने इसमें काम किया है, अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ तो कहते अरे कम कर भाई कम कर, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, अरे थोड़ा ज़्यादा कर भाई ज़्यादा कर, एक पैसा ज़्यादा, दो पैसा ज़्यादा, एक पैसा कम, दो पैसा कम। तो इनका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्टर का विजन क्लियर है तो चीज़ एकदम क्लियर है भाई। तो मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि आइए हॉल में आकर के देखिए, ये बैरी सूरतिया है कि प्यारी सूरतिया है, और कौन सी सूरतिया है, प्यारी है कि बैरी, जा कर के देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। सर बताइए, आपका म्यूजिक है फिल्म में, बताएं ज़रा मुझे कि कुछ मूड के गाने हैं और कैसे म्यूजिक बना है इसका। इसमें मेरा नाम चंद्रमा चंद्राई है जी, और अमन श्लोक जी के साथ मिल कर गया हमने म्यूजिक की है, और मेरे ये में तो मेलोडी गाने पड़े हैं, एक आइटम सॉन्ग और मेलोडी है। तो जैसे इसके हीरो हैं कुलदीप जी और डायरेक्टर हैं सुनील जी, ये लोग मेरे बहुत करीब हैं, मतलब छोटे भाई की तरह हैं। तो ये लोग बोले कि नहीं आपके मूड का भी गाना चाहिए, तो मेरा थोड़ा मेलोडी मूड का आदमी हूँ, मतलब अपने देसी, तो अच्छा हुआ गाने तो सबने अच्छे बोले हैं। और जहाँ तक अपनी बात है तो मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ अपने काम से, क्योंकि जो बातें आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वही खुशी है। और आप लोग गाने सुनेंगे तो पता चलेगा कि गाने बहुत अच्छे हुए हैं। मैं थोड़ा रफ़ी लता का फॉलोवर्स हूँ, तो उनकी हाइट तो बहुत ऊँची है। सर आपकी कोरियोग्राफी है जी, बताइए जरा आप काम कितने हैं, और ये एक्टर्स ने कैसे आपके सॉन्ग को परफॉर्म किया? मैं सुदामा मिंज, मेरा नाम, मैं क्या बताऊँ, गाने तो बहुत ही अच्छे बने हैं, प्यारे बने हैं, जब आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को ये गाने। और कुलदीप जी थे, सुनील जी हैं, तो सुनील जी ने मुझे बोला कि सर मुझे कुछ अलग चाहिए, उस तरह का नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए। मैं बोला ठीक है सर, कोशिश करूँगा। कुलदीप जो बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके साथ जो भी स्टार थे उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बहुत बढ़िया गाना बना है, रोमांटिक सॉन्ग है। फिर दो हमने आइटम सॉन्ग किया,
एक भजन है, बड़ा प्यारा भजन है, वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से शूट किया। इस फिल्म में वेरिएशन है अच्छा है गानों, तो बहुत बढ़िया शूट भी हुआ है। एक्टर्स में कितनी लचक आपको मिली मतलब बेसिकली? बहुत ज़्यादा तो नहीं था, मेहनत करना पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं था, मेहनत करना पड़ा, मतलब जो मैं सोचता हूँ उतना नहीं था, बट ठीक था, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करने में। महेश जी आप बताइए सर, एक और फिल्म पोस्टर। हाँ नमस्कार, आप सभी, आपके जितने भी दर्शक हैं सबको महेश उपाध्याय का नमस्कार। बोलिए सर क्या आदेश? बताइए कैसा लगा पोस्टर आपको और क्या? पोस्टर तो डायरेक्टर का सोच है, हमने देखा तो मुझे कुछ मुझसे पूछे कि कुछ करेक्शन करना है, मैं बोला नहीं सर मैं करेक्शन करने वाला तो हर चीज़ में लेकिन लगाता हूँ, मगर लेकिन लगाने के लिए कुछ मिला नहीं। बहुत अच्छा है बहुत, और मैं हमारे जो इसमें जो भी एक्टर हैं सब सीनियर एक्टर हैं, और कुलदीप जी एक्टर कम मेरे दोस्त ज़्यादा हैं, सुनील जी डायरेक्टर ज़रूर हैं मेरे दोस्त हैं, मैं इतने सालों से आप लोग से हूँ, साथ में काम कर रहे हैं। बस प्रकाश जी आ नहीं पाए, प्रकाश जी बहुत अच्छे रोल में हैं, और एक मुझे लग रहा है कि मैंने भोजपुरी में नहीं ज़्यादा कम 100 फिल्मों से ज़्यादा कर चुका होगा, उसमें एक फिल्म ये भी है, और मुझे करने में मज़ा आया जब सुनील सर ने मुझे बोला कि महेश जी एक मेरी फिल्म है आपको करना है, तो फिल्म इस फिल्म के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कम ही फिल्मों में मैं सेट पर रह पाता, मगर इसमें साथ में रहा क्योंकि करने का मज़ा, एक नया फिल्म था, हॉरर मूवी मैंने अभी तक नहीं की थी, मगर ये भोजपुरी में हॉरर कम एकदम मस्त पिक्चर है, देखने लायक है, लोग देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, और मेरा दर्शकों से निवेदन है कि वो यूट्यूब का इंतज़ार न करें प्लीज़, थिएटर में जाइए देखिए। नहीं हम लोग एकदम निराश हो चुके हैं, अब ऐसा लगता है कि क्या करें, 20 साल से इस इंडस्ट्री में रहे हैं और पता नहीं आगे क्या हुआ। अभी सब लोग कह रहे थे कि फिल्में अच्छी फिल्में बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 300 से ज़्यादा फिल्मों के साथ आपका जुड़ा। मेरा जो मैं अब आप लोग से सच बात बोलना चाहता हूँ, किसी फिल्म को लोग बोलते हैं राइटर डायरेक्टर ही अच्छा फिल्म बना सकते, नहीं, राइटर डायरेक्टर मेहनत कर सकते हैं, अच्छी सोच रख सकते हैं, जब तक एक्टर सपोर्ट नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से हमारे इंडस्ट्री के हीरो, जो भी हीरो हैं वो जिस हिसाब से फिल्मों में अगर वो टाइम देंगे डायरेक्टर को, मेहनत कराएंगे, डायरेक्टर तब खुश होकर फिल्म बनाता है जब हीरो उसके साथ टाइमली आता है, हीरो उसके साथ टाइम देता है, हीरो स्क्रिप्ट पे बैठता है, म्यूजिक पे बैठता है, तब जाके फिल्म अच्छी बनती है, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 99% हीरो कोई भी डायरेक्टर के साथ सही तरीके से टाइम नहीं देता है, जो मेरा इतने सालों से एक्सपीरियंस है, जो टाइम देते हैं वो अच्छी फिल्म बनती है, वो अच्छी चलती है, और जिस वजह से शायद दर्शक दूर होते जा रहे हैं। आपने जो अभी फिल्म बनाई थी आप अपनी अपना अनुभव ही बता दीजिए। मेरा अपना भी मैंने मंदिर वहीं बनाएंगे फिल्म बनाया था और रिलीज भी किया, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, फिल्म तो मैंने दिल से बनाया, अच्छा बनाया, मगर हमारी लागत तो हमें नहीं मिली, ये सच बात है, कोई मीडिया में बोलता नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरी फिल्म में मेरा जो पैसा लगा मैं रिकवर नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपनी फिल्म को फ्लॉप मानता हूँ, अगर एक प्रोड्यूसर का पैसा नहीं निकलता वो फिल्म फ्लॉप। इसमें आपके आर्टिस्ट कौन कौन थे? मेरे में प्रदीप पांडे चिंटू जी थे, निधि झा थी, सुशील सिंह थे, और मतलब समर चतुर्वेदी थे, प्रेम दुबे थे, एवरीथिंग, आप ये समझिए कि इंडस्ट्री के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद, टॉप म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा जो माने जाते हैं, दो म्यूजिक डायरेक्टर, टॉप कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना, कानू मुखर्जी, रामदेवन, टॉप टेक्नीशियन डायरेक्टर, एवरीथिंग, मैं टेक्नीशियन हूँ इसलिए हमने सब बड़े लेवल से काम किया था, अच्छी पिक्चर बहुत अच्छी भी, शायद इस समय समय अच्छा नहीं था जब मैंने रिलीज किया, 8 फरवरी को रिलीज किया था, माँ सरस्वती का पूजा का दिन था, 3-4 दिन बिहार में बारिश हुआ, उस वजह से भी मेरा नुकसान हो सकता है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे हीरो सेट पे नहीं आते हैं, आपका हीरो सेट पर आता था वक्त नहीं, वो तो टाइम के अच्छे थे, चिंटू जी ने सपोर्ट किया था, मगर मेरे कहने का मतलब जो लोगों के प्राइज है, जो प्राइज मांगते वो प्राइज के हीरो कोई नहीं, जितना हमारे भले आज मेरे सब नाराज हो जाएंगे, और सब हर हीरो के साथ मैं काम किया हूँ, दिनेश जी के साथ 6-7 फिल्में, चिंटू जी के साथ 6-7 फिल्में, खेसारी जी के साथ 10-12 फिल्में, पवन जी के साथ 6-7-8 फिल्में, और विक्रांत जी के साथ 6-7 फिल्में, रानी जी के साथ 10-12 फिल्में, रवि जी के साथ 6-7 फिल्में, मनोज जी के साथ सिर्फ एक ही फिल्म किया था, बाकी और भी एक्टरों के साथ, और भी जो एक्टर हैं कुलदीप जी से के साथ 2 फिल्म, फिर मतलब एवरीथिंग सबके साथ किया ही, सब अच्छे हैं, मगर मुझे चाहिए कि मेरी ये इंडस्ट्री में सब इसी से आगे बढ़े हैं, इसी से अच्छे बने हैं,
सबको मिल के इसको वापस पटरी पे लाना चाहिए, सबको सोचना चाहिए फिल्म अच्छी बनाने। बिना हीरो के सपोर्ट को कोई अच्छी फिल्म नहीं बन सकती, दुनिया का कोई डायरेक्टर नहीं बना सकता, दुनिया कोई भी, मैं बोल रहा हूँ किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, किधर भी, बिना एक्टर सपोर्ट की फिल्म अच्छी बन ही नहीं सकती, ये एकदम सत्य बात। आपको लगता है कि हीरोज के रेट कम होने चाहिए? हीरोज के रेट कम होने चाहिए, हीरो को टाइम देना चाहिए, हीरो सब्जेक्ट पे बैठना चाहिए, हर फिल्म को साइन नहीं करना चाहिए, सिर्फ पैसा ही नहीं देखना चाहिए। ये नाराजगी किसी एक हीरो से है या सारी इंडस्ट्री के हीरो से है? मैं मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी हीरो से मेरी क्या नाराजगी होगी, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि वो लोग ही अच्छे करेंगे तभी हो सकता है, कोई डायरेक्टर अच्छा बना ही नहीं सकता है, अगर हीरो टाइम नहीं देगा, हीरो अच्छा फिल्म नहीं करेगा तो नहीं होगा। कभी आपने देखा कि कोई हीरो लेट आया, कभी किसी हीरो ने काम अच्छा नहीं किया, किसी हीरो ने बहुत ज्यादा पैसा मांगा, तो आपको कैसे पता है ये बातें? अब मैं प्रोडक्शन करता हूँ, 100 फिल्मों से ज्यादा कर रही हूँ तो जुड़ा हूँ तो पता ही है मुझे ना, मगर वो मैं मीडिया में नहीं बोल सकता, मेरी भी अपनी पाबंदी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। ये अभी मैं इस फिल्म, कोई भी फिल्म में एक अच्छे प्रोड्यूसर के बिना नहीं बन सकती, तो मेरी तो ये पहली मूवी है तो बहुत मुश्किल था कि लोग इसमें पैसा लगाएं, और नए मेकर को तो खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है सपोर्ट करना, वो तभी है, या तो आपको गांव के किसी लोगों को गलत बात बोलो या नहीं तो, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल ही इरादा नहीं था कि मैं किसी गांव के लोगों को ये बोल के कि भाई मैं बॉम्बे में एक बहुत अच्छी मूवी बनाने वाला हूँ और आपको ये चीज़। फाइनली ये एक साल का मेरा स्ट्रगल था कि फिल्म में फाइनेंस जुटाना, तो इस फिल्म में जो मेन प्रोड्यूसर हैं, मैं अभी वो हमारे यहाँ पे नहीं है, वो जॉब करते हैं और मर्चेंट नेवी में है, जो मेरे बहुत ख़ास मित्र हैं, हम लोग जब साथ में पढ़ाई करते थे, मैं उस समय से एक्चुअली मुझे वो चाहते थे कि जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था कोलकाता में, तो उस समय से उनकी इच्छा थी कि मेरे मित्र हैं वो, आप जाइए बॉम्बे और फिल्म बनाइए, जब भी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, अजीत कुमार जी, कोलकाता में वो रहते हैं और इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर वही हैं, इस फिल्म का मैं जो मेन जो एक नए मेकर पे विश्वास करने के लिए उन्होंने जो, जब भी मैंने ज़रूरत उनसे बोला फाइनेंस के लिए, उन्होंने मना नहीं किया और ये फिल्म आज थिएटर तक पहुंचने वाली है, यहाँ तक ये इतनी जल्दी ये मूवी अगर पहुंची है तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ में ये रविंद्र कुमार जी हैं इस फिल्म के को प्रोड्यूसर, ये इन्होंने ऑलरेडी एक मूवी प्रोड्यूस की है बेटा हो खेत ऐसन, जिसके कि मेन लीड हीरो कुलदीप जी ही हैं, और वो मूवी बॉम्बे बिहार हर जगह थिएटरल रिलीज हुई, सैटेलाइट पर भी चली है, और उसके होल एंड सोल प्रोड्यूसर थे और मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, और हम लोग का अपना एक बहुत ही अच्छा एक फैमिली रिलेशन है, तो ये इस फिल्म में एज ए को प्रोड्यूसर जितना इनका हेल्प हो सकता था इन्होंने किया है। मेरे फिल्म में एक और लोग हैं जिन्होंने जिनका कि पैसा लगाया है, एज ए को प्रोड्यूसर हैं वो राजेश राजा गुप्ता जी, माई इंटरटेनमेंट है उनका, अभी वो है नहीं, बाहर है, नहीं तो आ जाते वो, तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस फिल्म को अभी कंप्लीट करने में, तो राजेश राजा गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मित्र अजीत कुमार जी, जो उन्होंने बोला कि मेरा नाम, सिर्फ मेरा नाम ही ले लीजिएगा, लोग तो मुझे चेहरे से नहीं जानते हैं, तो अजीत कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सपोर्ट किया और इस मूवी को थिएटर तक पहुँचाने में फाइनेंशली मुझे कोई दिक्कत नहीं होने दिया, थैंक यू। शेखर भैया बोलिए, आप भी बताइए जरा। सब लोगों को मेरा प्रणाम नमस्कार, मैं गीतकार शेखर मधुर, और आज जैसा कि आप सभी लोग जान हैं कि बैरी सुरतिया फिल्म का पोस्टर लॉन्चिंग हुआ है, सबसे पहले बैरी सुरतिया फिल्म के पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। इसके म्यूजिक डायरेक्टर अमन श्लोक सर जी और सुनील सर जी ने इसमें मुझे एक हिस्सा बनाया, मुझे गीत लिखने का मौका दिया इसमें, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि इतना बढ़िया और इतना अच्छा पोस्टर का लुक बना है आज, और जैसा कि सर जी बताए कि उसी तरह से स्टोरी भी, फिल्म भी बहुत बढ़िया बना है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि फिल्म जब लॉन्च हो रही है तो आप सब लोग सिनेमा हॉल तक जाएं और इस फिल्म को ढेर सारा अपना प्यार आशीर्वाद दें। नमस्कार।
जी गाना तो हम सुना सकते थे लेकिन अभी इतने चोर पड़े हुए हैं इंडस्ट्री में तो मैं इस फिल्म का गाना तो नहीं सुनाऊंगा। अभी हमारी अभी हाल ही एक फिल्म रिलीज हुई थी जय हिंद, मैं उसका एक गाना सुना रहा हूँ, बहुत सा प्यारा सा गाना है। कई लोग पागल दीवाना हमरा कैसो रहो आना धड़के जिया, मैंने तेरा नाम लिया मैंने तुझको याद किया सजना हो सजना। ये था उसका गाना। थैंक यू सर। रवि जी को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय सुनील जी ने दिलाया, वो छोटा सा परिचय फिल्म इंडस्ट्रीज में, प्रोड्यूसर रविंद्र कुमार, इसके पहले मैंने मूवी किया बेटा होके दर्शन, ऐसे कुलदीप जी के साथ मेरी पहली मूवी, उनकी भी पहली मूवी, और हमेशा से प्रतीक कला में हमारा रोचक रहा है, इसलिए जहाँ भी हमारे दोस्त या जो कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो हम जरूर जुटते हैं उसके साथ में, और सुनील जी प्रस्ताव लेके आए और उनके साथ में काम किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे इस फिल्म में मैं को प्रोड्यूसर प्लस गीतकार भी हूँ, इसमें हमारे दो तीन गाने भी कुछ हैं, सुनील जी को काफ़ी पसंद हुए, तो क्योंकि इसके पहले बेटा में ऑलमोस्ट 7 गाना था तो 6 गाना मेरा ही लिखा हुआ था, और तो वो गाने से प्रेरित होके बोले कि नहीं जो मेलोडी सॉन्ग होंगे वो आप इसमें लिखेंगे, तो इसमें भी गीतकार जो को प्रोड्यूसर। कला के प्रति रुझान है, काम करने का, ऐसे कैमरे के सामने आने का उतना कोई शौक नहीं है, जैसे आर्टिस्टिक है, हमेशा से मन रहा आर्टिस्टिक, गाना गाना, गीत लिखना, स्टोरी लिखना, क्योंकि इसके अलावा हमारा कुछ और बिजनेस है तो उसमें से समय निकाल निकाल के जो भी हमारे दोस्त सर्कल के लोग हैं उनके साथ काम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सब लोग। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.